Hello everyone, welcome to Technical Inclined Plus. In this video we will discuss about the detailed solution of ISRO 2020. और हम इसमें एनालिसिस भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से सिविल इंजीनियरिंग में कितने मार्क्स का पूछा गया था और किस टाइप के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या थी, तो बिल्डिंग मटेरियल के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी टाइप के हुआ करते थे, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 10 क्वेश्चन थे जो इजी और मॉडरेट और रिपीटेड भी थे। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर बात करी जाए तो उसके 2 क्वेश्चन थे जो इजी थे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस का 1 क्वेश्चन पूछा गया था जो इजी था। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के 5 क्वेश्चन थे जो इजी और रिपीटेड थे। RCC एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट की अगर बात करेंगे तो RCC से आप देख सकते हैं ना कि 14 मतलब मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे और रिपीटेड भी थे, 14 क्वेश्चन आए थे। और इधर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस एंड द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन थे जो इजी थे। फ्लूड एंड द हाइड्रोलिक मशीन्स और ये जो है OCF, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीनों सेक्शन जो फ्लूड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स जो होता है HHM जिसे बोलते हैं, और ये जो OCF ओपन चैनल फ्लो, इससे 4 क्वेश्चन ही तीनों को मिलाकर के पूछे जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे। और सोयल मैकेनिक्स में देखें 7 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे, इससे कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं था बट कॉन्सेप्ट रिपीटेड थी। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के 3 क्वेश्चन थे जो इजी थे। ट्रांसपोर्टेशन के जो 3 क्वेश्चन थे वो भी इजी थे। सर्वेइंग से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी टाइप के थे। और हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग से भी 4 क्वेश्चन पूछे जो इजी थे। और इरिगेशन से लगभग कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन थे मैथ से जो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और हम देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन। ओके, तो आप यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बॉन्ड इन द ब्रिक मशीनरी कंटेनिंग द अल्टरनेट कोर्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द हेडर्स। तो ऐसी मशीनरी जिसमें ब्रिक मशीनरी हम कर रहे हैं जिसमें अल्टरनेट, पहले तो हेडर का एक लगा दिया जाएगा, फिर बाद में स्ट्रेचर का एक लगा दिया जाएगा कुछ इस तरह से कोर्स। तो इस मशीनरी को क्या बोलेंगे, इस मशीनरी को बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ओके, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश बॉन्ड। अगर फ्लेम्स बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ये लगा दिया जाता है स्ट्रेचर, फिर कुछ इस टाइप का, फिर इस टाइप का, फिर इस टाइप का। ओके, तो इस टाइप से जो ब्रिक मशीनरी होती है तो हम उसको बोलते हैं फ्लेम्स। इसमें अल्टरनेट कोर्स ऑफ द स्ट्रेचर एंड द हेडर्स होता है। नेक्स्ट द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया की यूनिट होती है मीटर की पावर 4। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया आप किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया लिख लीजिए, चाहे BdQ/12 लिख दीजिए, BdQ/12 को देख लीजिए, चाहे πD^4/64 को देखिए, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो डायमेंशन होती है ना, अगर डायामीटर देखेंगे तो डायमीटर की यूनिट एम होती है, मीटर होती है तो डायमीटर की पावर 4 इन द सेंस मीटर की पावर 4। अगर आप यहाँ से सेक्शन देखें तो बी तो मीटर हो जाएगा, DQ, ठीक है, DQ मतलब मीटर क्यू, तो यहाँ से भी आप देखेंगे ना कि मीटर की पावर 4 इन द सेंस भी कह सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्सिया की यूनिट होती है मीटर की पावर 4 होती है। अ स्टील रॉड ऑफ द 30 mm डायामीटर एंड 3 meter लेंथ इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ द 50 kN और ई की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 2×10⁻⁹ पास्कल दे रखी है। द इलोंगेशन ऑफ द रॉड विल बी, रॉड में इलोंगेशन क्या होगा, आप ये देख सकते हैं ना कि ये जो कोई रॉड दे रखी है इसमें 50 kN का पुल लगाया है और डायामीटर देख सकते हैं कि 30 mm दे रखा है। तो यहाँ पर हम इसमें इलोंगेशन का फार्मूला हम क्या जानते हैं, ΔL=PL/AE होता था ना, PL/AE। तो P की वैल्यू 50 kN रखिए और लेंथ की वैल्यू रखिए और अपन π/4d² करिए क्योंकि रॉड सर्कुलर है और डायामीटर यहाँ पर आपको 30 mm दे रखा है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि जो इलोंगेशन आएगा 1.061 mm मिलेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ बीम कैरिंग द यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग लोड। ओके, देखिए यूनिफॉर्मली जब इंक्रीजिंग लोड लग रहा है किसी बीम पर, ये देखिए कोई बीम हम देख लेते हैं, तो इस सिचुएशन में अगर पहले बात करते हैं, अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो BMD कुछ लीनियर मिलेगा ट्रायंगल शेप में। अगर यहीं पर हम UDL लगा देते हैं कुछ इस टाइप का,
तो BMT में मिलेगा कुछ इस टाइप का, इसे बोलते हैं पैराबोलिक। और अगर लोडिंग का कुछ क्राइटेरिया हम ये कर देते हैं कि यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड कुछ इस टाइप का लगा देते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्यूबिक कुछ इस टाइप का। तो क्यूबिक BMD मिलेगा, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे एवरी मटेरियल ओबे हुक्स लॉ विद इन इट्स लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात करेंगे, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। एन आइडियल फ्लो ऑफ लिक्विड ओबेज, जो आइडियल फ्लो होता है किसी लिक्विड का तो वो क्या ओबे करता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ए डायनेमिक ऑफ विस्कोसिटी लॉ। तो ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को ओबे करता है, आइडियल फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन को ओबे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप कंटेंस एन आयल ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एंड द डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड एट द टू पॉइंट्स ए एंड बी, सो द डिफरेंस इन द मर्करी लेवल इज द 15 सेंटीमीटर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट टू पॉइंट्स ए एंड बी विल बी। तो अगर आप यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द मर्करी देखेंगे, ये जो मर्करी मैनोमेट्रिक फ्लूड भरा हुआ है, तो इसकी डेंसिटी दे रखी है 13,600। अब आप ये देख सकते हैं डायग्राम कुछ इस तरह से बनाइए, पाइपलाइन बनाइए, यहाँ से यहाँ पे ये मैनोमीटर लगाइए, मैनोमीटर में कुछ इस तरह से मर्करी भरी हुई है, दूसरा लिक्विड ये भरा हुआ है, ये लिक्विड का ये आयल ही है, ओके ये आयल ही है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। तो आप यहाँ से कुछ इसका डायग्राम बनाइए, और डायग्राम बनाने के बाद आप कुछ ये इस तरह से देख पाएंगे ना कि आयल भरा हुआ है पाइप में, हमने इसमें मैनोमीटर लगाया है, तो आयल कुछ इतना अंदर आया है, ठीक है। इसके बाद इसने मर्करी को डिस्प्लेस करना शुरू किया, इसने थोड़ा डिस्प्लेस किया, वो क्या है 15 सेंटीमीटर, और उसके बाद आप ये देखें थोड़ी बाई डिस्टेंस बची हुई जिसको हमने अज्यूम कर लिया। अब आप ये जो सेक्शन है इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, दोनों पॉइंट्स को लेकर के लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब की तरफ आप प्रेशर को जब लिखेंगे ना, टोटल प्रेशर PA+900g × y+, ये y मिलेगा, ये 0.15 ये मिलेगा, फिर इस तरफ का आप ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको इस तरफ का जाना है, फिर PA-P भी करके आप यहाँ पर जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो मिलेगी 18,688। तो वो ऑप्शन आपका ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोग्राफ इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ, हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंटेशन किसका होता है, रेनफॉल का होता है, सर्विस रनअप का होता है, ग्राउंड वाटर का, डिस्चार्ज फ्लो इन द रिवर होता है, तो ये होता है डिस्चार्ज फ्लो इन द रिवर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सब सोइल अगेंस्ट द ग्रेविटी इज नोन एज, जो वाटर रिटेन हो जाता है सब सोइल में अगेंस्ट द ग्रेविटी वाटर, तो उसको हम मिलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन, ओके स्पेसिफिक रिटेंशन। स्पेसिफिक रिटेंशन का फार्मूला था SR=N-SY, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रिटेंशन प्लस स्पेसिफिक यील्ड इक्वल टू द पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉइल हैज द बल्क डेंसिटी ऑफ द 2.3 g/cm³³ एंड द वाटर कंटेंट इज द 15% देन द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सॉइल। अब बल्क डेंसिटी देख सकते हैं, तो गामा डी का फार्मूला क्या होता था भाई, γB/1+W, तो गामा बी की वैल्यू आप लिखिए और 1+W करिए, गामा बी की वैल्यू 2.3 दे रखी है और 1+W करेंगे तो 1+15% दे रहा है ना वाटर कंटेंट, तो 0.15 करना होगा। तो इन द सेंस वी कैन से कि जो 2.3 मिला है इसको 1.15 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा यहाँ पर, तो जो 2 g/cc जो मिलेगा दैट इज द ड्राई डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, द सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट इन द सोयल इज द रेशियो ऑफ सीपेज एग्जिट ग्रेडियंट, ठीक है, जो एग्जिट ग्रेडियंट आता है ना, तो इस तरह से उसका वो क्या होता है रेशियो, दैट इज द हेड लॉस अपॉन द लेंथ ऑफ सीपेज HL/L, तो हेड लॉस अपॉन द लेंथ ऑफ सीपेज, तो इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ये हेड लॉस अपस्ट्रीम टू द डाउन स्ट्रीम गलत है, फ्लो लाइन टू स्लोप ये भी गलत है, टोटल हेड टू द लेंथ ऑफ द सीपेज, बट यहाँ पर टोटल हेड नहीं बल्कि हेड लॉस देखा जाता है ना, कितना हेड बचा हुआ है, ओके। अ फ्रीएटिक लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन विद इन अ डैम बिलो विच देयर आर, तो फ्रीएटिक लाइन क्या होती है, अगर हम बात करेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्ट्स बिलो द फ्रीएटिक लाइन वेयर द एटमोस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट अबव द फ्रीएटिक लाइन, फ्रीएटिक लाइन के ऊपर तो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, लेकिन अगर उसके नीचे की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। दिस लाइन सेपरेट्स ए सैचुरेटेड सोयल मास फ्राम अनसेचुरेटेड सोयल मास,
ये सैचुरेटेड सोयल मास को अनसैचुरेटेड सोयल मास से इसको सेपरेट करती है। फेरिएटिक लाइन इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इट इज़ नॉट एन इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं होती, बट इट इज़ ए फ्लो लाइन। तो यहाँ से हमको क्या मिला है कि पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सैचुरेटेड सोयल मास या सोयल सैंपल हैज वाटर कंटेंट 40% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सोयल सैंपल इज द 2.7 एंड द बॉयड रेशियो। तो इस सिचुएशन में हमें बॉयड रेशियो कैलकुलेट करना है और ये भी देखना है सैचुरेटेड सोयल सैंपल मतलब SR की वैल्यू डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हो जाएगा 100% और G की वैल्यू दे रखी है 2.7 और W भी दे रखा है कुछ 40%। तो सिंपल फार्मूला है, SC बराबर W इंटू G लगाइए, SC इक्वल टू W इंटू G लगाइए और आप यहां से E की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 1.08 आपको मिलेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेपरेशन ऑफ द कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम द मोर्टार ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज। अगर हम ट्रांसपोर्ट मोर्टार का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और उसमें कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो जाता है तो उसका मतलब क्या है, इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन। अगर हम जो है कंक्रीट को बिछाते हैं, प्लेस करते हैं, तो उस समय जो वाटर ऊपर की तरफ सरफेस पे आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। ओके, लेकिन यहाँ पर अपना कोर्स एग्रीगेट सेपरेट हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे सेग्रीगेशन। और ये जो क्रीपिंग दिख रहा है, अगर हम सस्टेन लोडिंग लगा देते हैं, ठीक है, बहुत समय के लिए, अगर हम लंबे समय के लिए अगर लोडिंग लगा देते हैं तो उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आता है तो उसे बोलते हैं क्रीपिंग। और श्रिंकेज तो आप जानते ही हैं, कोई भी चीज़ सिकुड़ जाती है ड्यू टू द, जब उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट निकल जाता है तो वो चीज़ सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से क्रैक्स आ जाती हैं, तो उसे बोलते हैं श्रिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एट अर्ली स्टेज इज ड्यू टू। जो हाई स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, ठीक है, तो उसमें अर्ली स्टेज में जो स्ट्रेंथ आती है वो किसकी वजह से आती है, एडिशन ऑफ जिप्सम की वजह से, या बर्निंग एट हाई टेम्परेचर की वजह से, या हाई कंटेंट ऑफ द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से, या रिड्यूस द लिमिट लाइम कंटेंट। तो ये आती है हाई ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जो होता है ना, उसकी वजह से ये अर्ली स्ट्रेंथ आती है अर्ली स्टेज में जो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, इफ़ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रेस्पेक्टिवली देन द सिंगली इन द रिंग सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम देन द लीवर आर्म। तो देखिए डी अगर हम बात करेंगे, डी इज़ द क्या है भाई, डी इज़ द डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ है बीम की, और एन न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे। तो इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में जो है इसको बोलेंगे कि लीवर आर्म क्या होगी, लीवर आर्म क्या होती है, तो हम न्यूट्रल एक्सिस को बोलते थे X/3 और डी लेते थे ना कुछ और उसे डिवाइड कर देते थे, तो कुछ यही आएगा ना लीवर आर्म। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ RCC, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पैरेलल रीइंफोर्समेंट बार्स। मिनिमम स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल पैरेलल रीइंफोर्समेंट बार्स ऑफ द डिफरेंट डायमीटर इंटर एलिया शुड नॉट बी लेस देन। तो ये जो मिनिमम स्पेसिंग की बात करते हैं, 3D लेते हैं, ठीक है, 3D लेते हैं, 3 times डायमीटर ऑफ दी, 3 times ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ, लेकिन यहाँ से हमें कुछ और देखना, 1 diameter ऑफ द थिनर बार, 1 diameter ऑफ द थिकर बार, और सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द थिनर एंड द थिकर बार्स, 2 diameter ऑफ द थिनर बार्स। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि मिनिमम स्पेसिंग जो हॉरिजॉन्टल बार्स, ये जो हॉरिजॉन्टल बार्स होती है ना, इनके बीच में ये स्पेसिंग कितनी होती है, ठीक है, तो ये होती है शुड नॉट बी लेस देन द 1 time डायमीटर ऑफ द थिकर बार, डायमीटर ऑफ थिकर बार जो कि मोटी बार होती है उसके डायमीटर लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द हॉरिजॉन्टल पैरेलल रीइंफोर्समेंट बार्स ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स इंटर एलिया शुड नॉट बी लेस देन 1 diameter ऑफ द थिकर बार। कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स द वैल्यू ऑफ लोड बिलो विच नॉट 5% ऑफ रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल, 90% प्रोबेबिलिटी इज नॉट बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। बट ये क्या बोल रहा है, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, 90% प्रोबेबिलिटी ऑफ
नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके 95% हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बोला है, कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। कि अगर हम स्ट्रक्चर की लाइफ की बात करते हैं तो 95% से ज़्यादा लोड उस पर नहीं जाना चाहिए। अपॉन द मिक्सिंग वाटर टू कंक्रीट इन्ग्रीडियंट्स हाइड्रेशन टेक्स प्लेस, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। तो पहले हार्डनिंग, सेटिंग, लॉस ऑफ बर्केबिलिटी, सेटिंग लॉस ऑफ बर्केबिलिटी एंड हार्डनिंग। ओके पहले तो होता है सेटिंग, फिर उसके बाद बर्केबिलिटी कम होती है उसकी, उसके बाद हार्डनिंग होता है। पर हार्डनिंग पहले नहीं होता, आपको ये भी देखना, बर्केबिलिटी पहले नहीं जाता, हार्डनिंग पहले तो होना ही नहीं है, और लॉस ऑफ बर्केबिलिटी की नहीं। आप जब सीमेंट की बात करते हो तो पहले सेट होता है ना, तो सेटिंग वाला में ऑप्शन पहले लेना है। नेक्स्ट, कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू, कॉलम स्प्लाइस क्यों यूज होता है, कॉलम स्प्लाइस इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम। आप देखते होंगे जब कोई कॉलम होता है, ठीक है, या फिर कोई आप स्टैंडर्ड जो बल्ली होती है, बल्ली को लेते हैं, उसमें थोड़ी सी थोड़ा सा बैटन लगा देते हैं जिसकी वजह से उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड द स्प्लाइस। आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग द परसेप्शन एंड द ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नोन एज। ठीक है, परसेप्शन और ब्रेक रिएक्शन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग व्हीकल होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, तो दोस्त इसको बोलते हैं लैग डिस्टेंस। नेक्स्ट, मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन द हिल रूट्स नॉट बाउंडेड बाय स्नो शुड नॉट बी एक्सीडेड। तो अगर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की बात करते हैं, अगर हिल रूट्स पे स्नो नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो एलिवेशन होगा, सुपर एलिवेशन होगा, उसकी वैल्यू 10% ली जाएगी। मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन द हिल रूट्स नॉट बाउंडेड बाय द स्नो शुड नॉट एक्सीडेड 10% एंड द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन द हिल रूट्स बाउंडेड बाय स्नो, अगर स्नो है तब वहाँ पे हम 7% लेंगे, अगर नहीं है, नॉट बाउंडेड बाय स्नो, देन 10% लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स आपको लर्न करने होंगे। द टाइम बाय विच एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग एनी अर्ली स्टार्ट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटीज नोन एज। ठीक है, अगर हम उसको रिलेट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट ना हो उससे पहले, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको फ्री फ्लोट बोलेंगे, टोटल फ्लोट बोलेंगे, तो उस सिचुएशन को फ्री फ्लोट बोलते हैं दोस्त। कि हमने कोई अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, हमें मालूम है कि ये 8 दिन का काम है, हम इसको 5 दिन में कर लेंगे, तो हम इसको डिले कर सकते हैं, 3 दिन तक डिले कर सकते हैं। दूसरी एक्टिविटी 8 दिन के बाद ही स्टार्ट होगी, हम इसे 3 दिन पहले डिले कर लेते हैं, 5 दिन अपना काम कर लेंगे, उसके बाद हम अगली एक्टिविटी सक्सेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, 1 न्यूटन फोर्स कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो एफ इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एम इंटू ए एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला आप ऑप्शन करेक्ट करिए, 1 kg मास के थ्रू में मिलेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव बकलिंग लेंथ ऑफ द स्टील एंगल कनेक्टेड बाय डबल रिबेट। अगर डबल रिबेट लगा दिया है, ठीक है, अगर हम एंगल की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से एंगल हमने यहाँ से लगा दिया है, ठीक है, और 2 रिबेट यहाँ पर लगा दिया है, तो इस सिचुएशन में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो 0.5 L ली जाएगी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वेब क्रिपलिंग इज अ स्टील स्ट्रक्चर इज एन अकाउंट ऑफ, वेब क्रिपलिंग की बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, इन एन अकाउंट ऑफ, अगर कॉलम एक्शन ऑफ द वेब फैले और आप वेब अंडर द कंसंट्रेटेड लोड एक्सेसिव बेंडिंग मोमेंट एंड सेकेंडरी बेंडिंग मोमेंट। तो इस सिचुएशन में आपको लिखा जाएगा फैले और आप वेब अंडर द कंसंट्रेटेड लोड, तो सिचुएशन को हम बोलते हैं वेब क्रिपलिंग। अगर हमने पॉइंट लोड लगा दिया है, कंसंट्रेटेड लोड लगा दिया, अगर उसकी वजह से वेब जो होता है कॉलम का, अगर हम आई सेक्शन लेते हैं तो आई सेक्शन देखिए इस तरह से आएगा, अगर हमने इस पर कंसंट्रेटेड लोड लगा दिया इसकी वजह से वेब क्रिपल हो गया, वेब कुछ इस तरह से आ गया, तो इसको हम बोलेंगे वेब क्रिपलिंग। नेक्स्ट, द सेल वेट ऑफ द स्टील रूफ ट्रस इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बी कंप्यूटेड बाई, तो स्पान आपका एल है तो इसको कंप्यूट किया जाता है इससे, एल बाई 3 + 5 इंटू द 10, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, आप देखेंगे 40 cm डायमीटर सर्कुलर टिम्बर कॉलम इज द 4 meter लॉन्ग, दैन द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। देखिए डायम एक कॉलम है, कॉलम की ये बात करता है, कर रहा है कि 40 cm का इसका डायमीटर है और कॉलम की लंबाई
एक 4 मीटर है, तो इस सिचुएशन में सिलेंडर ने रेशियो की फार्मूला हम जानते होंगे ना कि आई इफेक्टिव अपान के होता है लीस्ट जायरेशन ऑफ रेडियस। आई बराबर हम ए के जानते हैं ना, आई बराबर ए के स्क्वायर जानते हैं, के बराबर आई अपान ए लेंगे, अंडर रूट में पहुंच जाएगा। ओके, अब हम आई अपान के हमने किया है, आई अपान ए हमने किया है यहाँ पर, ठीक है, आई अपान ए किया है, तो आई की वैल्यू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 64 इंटू द डी की पावर 4 ई आएगा, और पाई बाई 4 डी स्क्वायर होगा अपना एरिया। तो यहाँ से आप ये देखेंगे ना कि पाई बाई 64 हमने ये लिया है इंटू डी की पावर 4 ये किया है, अगर हम यहाँ से और ये करेंगे पाई बाई 4 डी स्क्वायर करेंगे, आप ऐसे पाई बाई डी ये सब इतना आपने लिख लिया है और उसके बाद पाई से पाई काटिए, इसे काटिए, तो डी स्क्वायर बाई 16 आपका बचेगा, सिंपली 16 बचेगा। तो 16 को अगर आप और थोड़ा कर सकते हैं, तो अगर आप इसको अंडर रूट लेंगे डी स्क्वायर बाई 16 का, अगर आप अंडर रूट लेंगे तो के इक्वल टू बचेगा, तो इस यहाँ से बोलते हैं लीस्ट जायरेशन ऑफ रेडियस इक्वल टू डी बाई 4। तो डायमीटर आपका कितना है भाई, डायमीटर आपका 40 है, 40 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा ना, तो 10 सेंटीमीटर आपका लीस्ट जायरेशन ऑफ रेडियस हो जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ, आप यहाँ से देखेंगे ये इफेक्टिव लेंथ की अगर बात करें 4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये आपकी 4 मीटर लॉन्ग है, तो 4 मीटर को आप क्या लिख सकते हैं भाई, 4 मीटर को आप 400 सेंटीमीटर ले सकते हैं ना, यहाँ से आपका 10 सेंटीमीटर ये बचा है, 10 से 10 जाएगा, 40 बचेगा। ओके, ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, फॉर द गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, अगर एग्रीगेट रेशियो हमें गिवन है तो अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, डिक्रीज श्रिंकेज या इंक्रीज स्ट्रेंथ, इंक्रीज श्रिंकेज या डज नॉट मेक एनी चेंज इन एनी पैरामीटर। तो इस सिचुएशन में क्या होगा मेरे दोस्त, इस सिचुएशन में इंक्रीज हो जाएगा श्रिंकेज। ओके, इस सिचुएशन में श्रिंकेज इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल रेशियो ऑफ सीमेंट सैंड एंड द एग्रीगेट इन नॉमिनल मिक्स M20 ग्रेड, अगर M20 ग्रेड की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो क्या होगा, M20, ओके, 1.5:3 आप जानते होंगे, और इसके बाद आप यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ये सब देख सकते हैं, M55, 60, 65 और 70 तक का ये पूरा रेशियो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ द आइसोलेटेड फुटिंग। तो आइसोलेटेड फुटिंग की डिजाइनिंग करते हैं तो उसमें क्या कंसीडर नहीं करते, बेंडिंग मोमेंट, सीयर, टॉरिजन एंड द पंचिंग स्ट्रेस। तो सिचुएशन में हम टॉरिजन को कंसीडर नहीं करते, पंचिंग को भी लेते हैं, सीयर को लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया भी लेते हैं। अगर आप डिजाइनिंग करेंगे फुटिंग की तो आप वहाँ पर ये तीनों क्राइटेरिया पढ़ेंगे और वहाँ पर टॉरिजन हम नहीं पढ़ते हैं। और इन द लिमिट स्टेट मेथड द डिज़ाइन अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट प्राइमरली कंट्रोल्स, जो मेन रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग होती है वो क्या कंट्रोल करती है, क्रैकिंग कंट्रोल करती है, ड्यूरेबिलिटी, कोलैप्स एंड द डिफ्लेक्शन, तो ये कंट्रोल करती है क्रैकिंग। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप एट द पोल इज, तो पोल्स पर एंगल ऑफ डिप क्या होता है, 0 होता है, 90 होता है, 30 होता है, 45 होता है, तो सिचुएशन में 90 होता है पोल्स पर एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द आर रिड्यूस्ड बियरिंग ऑफ द ए बी नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ से 30 डिग्री दे रखा है एंड द लेंथ इज द 100 मीटर, दैन द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर, लेटीट्यूड, ठीक है, ये चीज़ लेटीट्यूड और ये चीज़ डिपार्चर, तो इस नॉर्थ डायरेक्शन जो लेटीट्यूड आएगा तो इसे हम बोलेंगे ना कि एल कॉस थीटा, तो एल कॉस थीटा कॉस 30 आ जाएगा, तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, तो एल की वैल्यू 100 है और 30 की वैल्यू √3/2 होती है ना, तो इस तरह से आप जब इसे करेंगे तो इसकी वैल्यू 86.6 आएगी, और इस डिपार्चर में जाएंगे ना तो 100 साइन 30 करेंगे तो साइन 30 वैल्यू 1/2 होती है, तो इसकी वैल्यू 50 आएगी, ठीक है, तो डिपार्चर जहाँ पे 50 मिले आप उसको क्लिक करिए, और साथ ही साथ आपको साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस रहेगा, और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन तो ये माइनस रहेगा, इस साइड प्लस और इस साइड माइनस, तो -50 वाला ऑप्शन आप क्लिक करिए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, सर्कुलर कर्व हैज़ द 300 मीटर रेडियस एंड द 16 degree एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, देन द लेंथ ऑफ कर्व एंड द टेंजेंट लेंथ,
इसमें हमें लेंथ ऑफ कर्व और टेंजेंट लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम लेंथ ऑफ कर्व देख लीजिए, फिर आप टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ का फार्मूला आर टेन डेल्टा बाई टू, डिफ्लेक्शन एंगल आपका 60 दे रखा है। ओके, तो डेल्टा बाई टू करेंगे तो डिफ्लेक्शन एंगल हमें कितना 60 दे रखा है। तो ये करिए 300 करिए यहाँ पर, और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है ना, तो 1/√3 होती है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रूट थ्री के ऊपर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रूट थ्री के नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो रूट थ्री हो जाएगा 3, और 3 से इसे काटेंगे तो ये बचेगा 100। तो रूट थ्री की वैल्यू 1.732 होती है ना, तो 1.732 होती है इसकी वैल्यू। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कराइए, 173.2 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 173.2 वाला जो भी ऑप्शन इसका करेक्ट हो ना, टेंजेंट लेंथ वाला, तो आप उसे क्लिक करिए। ठीक है, आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ कर्व निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले ही आपका हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द रेंजिंग ऑपरेशन इन अ सर्वे इज प्रोसेस ऑफ, रेंजिंग ऑपरेशन का सर्वे में करेंगे तो ये प्रोसेस किसकी होती है, रिकॉनिसेंस होती है, या फिर जजिंग द डिस्टेंस, या फिर एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन द टर्मिनल्स एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लोप। डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लोप नहीं होता, बल्कि हम इसके रेंजिंग के थ्रू हम एस्टेब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स बिटवीन द टर्मिनल्स करते हैं। जेनिथ इज द पॉइंट ऑन द कैलेस्ट्रियल स्फीयर, कैलेस्ट्रियल अगर हम स्फीयर की बात करते हो तो उसमें जेनिथ पॉइंट क्या होता है कैलेस्ट्रियल स्फीयर में, भाई देखिए आप डायग्राम ये देख सकते हैं, बट उसमें जो जस्ट बिलो होता है ना उसको हम बोलते हैं, जस्ट बिलो को नहीं बल्कि जस्ट अबव द ऑब्जर्वर स्टेशन, जो ऑब्जर्वर स्टेशन कुछ होता है ना उसके जस्ट ऊपर वाला ऑप्शन उसको बोलते हैं जेनिथ। जेनिथ का मतलब वैसे भी हाइट से इसका रिलेशन होता है, ऊंचाई। ठीक है, तो नीचे नहीं जाएंगे, इसमें हाइट की बात करेंगे, जस्ट अबव द ऑब्जर्वर स्टेशंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज द 2.78 एंड द कोर्स एग्रीगेट इज द 7.82 एंड देन द डिजायर फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द मिक्सड एग्रीगेट 6.14 देन द अमाउंट ऑफ फाइन एग्रीगेट टू बी मिक्सड विद वन पार्ट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस यहाँ पर आपको दे रखा है, तो मिक्स एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस 6.14 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइनेंस एग्रीगेट मिक्सड विद वन पार्ट ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो फिर यहाँ पर आपको करना होगा, देखिए 2.78x लिखेंगे और प्लस में ये 7.882 लिखेंगे, क्योंकि ये कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट की हम बात करने वाले, तो इस सिचुएशन में 1+x ये कर दिया जाएगा 6.14, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 50% आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इज द स्लंप टेस्ट परफॉर्म्ड, तो स्लंप टेस्ट कब किया जाता है भाई, स्लंप टेस्ट किया जाता है वर्केबिलिटी के लिए ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्लंप टेस्ट में ये जो स्लंप कोन एपरेटस होता है ना, तो उसकी अपर हाइट होती है 10 सेंटीमीटर, बॉटम में देखते हैं वो होती 20 सेंटीमीटर, और ये इसकी ये हाइट देखते हैं ना, हाइट देखते इसकी होती है 30 सेंटीमीटर। और आप ये देखते हैं इसके तीन तरह के स्लंप्स होते हैं, ये होता है ट्रू स्लंप, और ये होता है सीयर वाला जो साइड से निकल जाता है और जो डायरेक्टली कोलैप्स होता है उसे कोलैप्स स्लंप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ एफ सी आर टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट एफ सी के फॉर द M25। तो एफ सी आर फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, 0.7√FC के ना, तो 0.7√FC के करेंगे तो 0.7FC की वैल्यू 25 है ना, तो 25.7×5 करेंगे, और अपन एफ सी के तो अपना एफ सी के है ही, कोई दिक्कत नहीं, तो 0.7×√25 करेंगे अपन, आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से हमारा डायरेक्टली 25 आ जाएगा, तो 25 तो यहाँ से आप करेंगे बटे में 25 आ जाएगा, 25 को हम 5 लिख सकते हैं, तो 0.7 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 14×5=70 0.14 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंपेयर्स द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द सैंपल्स ऑफ द कंक्रीट, तो कौन सा, तो डायनेमिक इलास्टिसिटी मॉडुलस सैंपल के लिए कौन सा होता है, कंप्रेशन टेस्ट होता है, स्प्लिट टेस्ट होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है, टेंशन टेस्ट होता है। तो इस सिचुएशन में अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज टू इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, के इज द टू इज ऑफ द के इज द टू टाइम्स ऑफ जी देन द पॉइजन रेशियो क्या होगा, इस सिचुएशन में पॉइजन रेशियो की वैल्यू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त की इक्वल टू हम क्या देखते थे 3 के 1-2 म्यू देखते थे ना, 1-2 म्यू, तो 3 के इक्वल टू द 2G हो जाएगा,
तो एक हमारा फार्मूला भाई ये भी है ना कि टू जी वन प्लस म्यू, टू जी वन प्लस म्यू, आपको ये दोनों फार्मूले पता है, दोनों को आप बराबर कर दीजिए और बी की म्यू की वैल्यू आप ऐसे निकालिए, दो बटे सात मिलेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लैंक्स ईच ऑफ द 50 mm एंड द 50 mm सेक्शन आर ग्लूड टूगेदर अलोंग द लेंथ ऑफ फॉर्म ए सेक्शन 15 to 100 एंड यूज एज द बीम। इफ द सीयर फोर्स एट अ सेक्शन इज द 100,000 newton, वाट इज द मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस ऑन द ग्लू। तो ग्लू की मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस क्या होती है, टाउ मैक्स इक्वल टू, हम क्या जानते हैं भाई मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस हमें एवरेज दे रखी है, एवरेज सीयर फोर्स दे रखा है, तो सीयर फोर्स देगा, सीयर फोर्स से भाई स्ट्रेंथ निकाल लेंगे ना, वो सीयर स्ट्रेस निकाल लेंगे, तो टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है, डेढ़ गुना अभी एवरेज, एवरेज का डेढ़ गुना, ठीक है। तो टाउ एवरेज हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो हमने ये सेक्शन था, ये प्लैंक था, प्लैंक से हमने ये 15 to 100 वाला बनाया है, तो हमें वही करना है, अपना 1000 ये लेना है, 50 into 100 हमें ये करना है, तो ये 0 0 चले जाएंगे, 1/5 बचेगा, ठीक है। तो 3/2 यही है और इंटू 1/5 अपना ये है, तो 5 2 10 ये हो जाएगा, और 10 को हम 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 0.3 बचेगा, तो 0.3 वाला ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर देयर आर द परपेंडिकुलर स्ट्रेस द 80 newton per mm² एंड द 20 newton per mm², बोथ आर द टेंसाइल। और ये देखेंगे, व्हाइल इज द इक्विवेलेंट स्ट्रेस इन द सिंपल टेंशन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी पॉइजन रेशियो कितना होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉइजन रेशियो अपना 0.5 दे रखा है, और ये पूछा क्या है यार, ये पूछा है इक्विवेलेंट सिंपल टेंशन, इक्विवेलेंट सिंपल टेंशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है, तो एक सिचुएशन में स्ट्रेन और दूसरी सिचुएशन में स्ट्रेन दोनों को हमें बराबर करना होगा, तो अपना फार्मूला क्या होता था, सिग्मा 1/E -μ टाइम सिग्मा 2/E इक्वल टू द सिग्मा इक्विवेलेंट अपान ई, तो ई से ई कट जाएगा, तो सिग्मा 1 -μ टाइम सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 की वैल्यू 80 है, तो -μ से मल्टीप्लाई करिए, 0.25 दे रखा है, दूसरी वैल्यू 20 दे रखी है, और सिग्मा इक्विवेलेंट आपका निकल आएगा, वो वैल्यू होगी आपकी 75। ओके तो इस तरह से आप अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन की बात करेंगे ना, तो इस तरह से आपको ये फार्मूला याद करना, अगर डायरेक्ट आप फार्मूला अगर याद करना चाहें, तो सिग्मा 1 -μ टाइम सिग्मा 2 इक्वल टू द सिग्मा इक्विवेलेंट आपको कुछ इस तरह से लर्न कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू सिंपली सपोर्टेड बीम्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड आर द सेम क्रॉस सेक्शन, बोथ बीम्स कैरी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इक्वल द इंटेंसिटी, वन बीम इज द 2 मीटर लॉन्ग एंड अदर इज द 4 मीटर लॉन्ग। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोस्त की एक बीम है UDL लगा हुआ, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर 2 मीटर लगा है, यहाँ पर 4 मीटर लगा हुआ, तो यहाँ से पूछ रहा है कि डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन कितना होगा, सेंट्रल डिफ्लेक्शन ऑफ द 4 मीटर लॉन्ग बीम में क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि डेल्टा का फार्मूला कितना होता है, 5/384। ओके और WL की पावर 4/EI, तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द WL की पावर 4। तो आप एक बीम लेंगे, तो ये हमने बीम ए बात करी है, बीम बी की बात करी है। ओके वन सेकेंड, ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की बात करें जब हम करेंगे, तो L की पावर 4 ये अपना दही रखा, तो पहली बीम जिसका स्पान 2 की पावर 4 है, 2 मीटर है, ठीक है, इसकी पावर हमने 4 लगा दी, दूसरा स्पान है इसकी 4 की पावर 4, तो 2 2 4 2 8 2 16, 4 6 16 6 64 और इनटू 128, तो यहाँ से आप काटेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर 16 बचेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसकी वैल्यू 16 आएगी, तो डेल्टा 1/डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी 1/16, तो डेल्टा 2 आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी 16 mm, तो 16 mm ऑप्शन ए इज करेक्ट है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहेन द रेशियो ऑफ द लॉन्ग टू शॉर्ट डायमेंशन ऑफ द स्लेब इज ग्रेटर देन द एक्स देन द स्लेब शैल बी डिजाइंड द वन वे। ओके यहाँ पर हमें ये देखना है ना कि लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का अगर रेशियो कितने से ज़्यादा हो या कितने से कम हो, ठीक है, सेल बी ग्रेटर देन फॉर द वन वे स्लैब, तो इस वन वे स्लैब के लिए 2 से भाई ज़्यादा होना चाहिए। ओके ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट, ए रीइंफोर्स कंक्रीट कंटिलीवर पोर्च हैज थिकनेस टी द मेन रीइंफोर्समेंट स्टील विल बी प्लेस्ड, तो मिड सेक्शन पे होगा या फिर T/3 पर होगा, ये पोर्च आप देख सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पोर्च देख सकते हैं, कंटिल्यू पोर्च है, और आप यहाँ पर देखें मेन रीइन्फोर्समेंट की हमें पोजीशन है बतानी क्लोज टू द टॉप सरफेस, तो टॉप सरफेस के पास में ही यहाँ पे मेन रीइन्फोर्समेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो होते हैं कंटिल्यू और बीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द प्योरली कोहेसिव सोइल वाज टेस्टेड बाय द अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, द मेन अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ वाज ऑब्टेंड एज द 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द नेट अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट वेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल अडोप्ट द टर्जागी कॉन्सेप्ट विल बी, आप यहाँ से देख सकते हैं ये है कुछ, और प्योर कोहेसिव सोइल है, आपको ये भी देखना किले है ना इस सिचुएशन में, और पूछ क्या रहा है नेट अल्टीमेट, तो आप जानते हैं कि जब कोहेसिव सोइल होती है तो उसकी वैल्यू होती है सी एन सी, ओके सी एन सी, तो सी एन सी की वैल्यू आपकी होगी, सी की वैल्यू आप देख सकते हैं कोहेजन, तो अनड्रेंड कोहेजन के लिए यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेशन स्ट्रेंथ दे रखें, तो क्यू इक्वल टू द सी बाई टू होगा ना यहाँ पर, या फिर ये कह सकते हैं सी इक्वल टू द क्यू बाई टू होगा, तो हमें इसका आधा कर लेना है 25, ये कर लेना 25 5.7 से मल्टीप्लाई कर देनी है, क्यों 5.7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे इसने टर्जागी बोला, टर्जागी के थ्रू सी एन सी की वैल्यू जो एन सी होती है इसकी वैल्यू 5.7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू ये आएगी 142, ऑप्शन इज द करेक्ट। बीम बकलिंग अकर्स इन द बीम ड्यू टू द एक्सेसिव बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से होती है बीम बकलिंग, या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह, ओके अगर बीम बकलिंग की बात करेंगे ना तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से ही होती है बेब बकलिंग, एक्सेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द बेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आइसोलेटेड रीइन्फोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ डी द स्ट्रेस इन द पंचिंग सीयर इज चेकड, तो पंचिंग सीयर में जो स्ट्रेस हम चेक करते हैं ना वो होता है एट अ डिस्टेंस डी बाई टू अवे फ्राम द फेस ऑफ द कॉलम, जो कॉलम का फेस होता है वहाँ से डी बाई टू, और ये देखिए इसने भी डी बाई टू की बात की लेकिन इसने कॉलम के सेंटर से लिया, कॉलम के सेंटर से कॉलम के फेस से, जैसे इस तरह का कॉलम है कॉलम के फेस से हम डी बाई टू डिस्टेंस पर जाएंगे, तो ठीक है इस सिचुएशन में हम पंचिंग स्ट्रेस की बात करनी होगी। नेक्स्ट, ISJC 200 चैनल सेक्शन हैज़ द फॉलोइंग डिटेल, इसका डिटेल आप देख सकते हैं क्या डिटेल देख रखा है, विड्थ ऑफ फ्लेंज दे रखा है, डेप्थ ऑफ चैनल दे रखा है, थिकनेस ऑफ द फ्लेंज दे रखा है, और मूवमेंट ऑफ इनर्जी आप देख सकते हैं, और डिस्टेंस ऑफ द सीयर सेंटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वेव विल बी, तो आप ये देखेंगे ना ये कॉलम कुछ आईएस 200 ये कुछ दे रखा है ना, बना हुआ नहीं होगा, तो ये कुछ चैनल है, तो चैनल इस टाइप का होता है ना, तो चैनल के सिचुएशन में इस चैनल की चैनल इसने बोला भी है, अब इस चैनल सेक्शन में हमें सीयर सेंटर कैलकुलेट करना, तो सीयर सेंटर इस सिचुएशन में चैनल के सेक्शन के लिए जो सीयर सेंटर होता है इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो यहाँ फार्मूला होगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर टी, अगर आप डेरिवेशन के ऊपर जाएंगे तो डेरिवेशन आपको वहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, इतना आपके पास टाइम नहीं होगा तो आपको वहाँ पर देर लग सकती है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने में, यहाँ पर अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट ही पता होगा तो बी स्क्वायर इंटू एच इंटू टी अपॉन फोर आई करेंगे, तो डायरेक्टली आप वैल्यूज को पुट करने के बाद आंसर फाइंड करेंगे 27.87, जहाँ पर बी बी की अगर बात करें तो बी आपका ये हो जाएगा, बी आपका ये हो जाएगा, और एच की बात करेंगे ना तो एच हम इसके सेंटर से लेते हैं ना, सीयर सेंटर की बात करें तो एच इसके सेंटर से लेंगे एच, तो आपको ये इसकी थिकनेस आप देखेंगे और इसकी थिकनेस देखेंगे, दोनों की थिकनेस को आधा आधा करके हमें जोड़ना पड़ेगा, ओके इस चीज़ में अगर हमें इस चीज़ ये चीज़ नहीं दे रखी पूरी दे रखी ओवरऑल दे रखी है ना, तो ISJC 200 दे रखी ना, तो उसका मतलब पूरे सेक्शन की हाइट दे रखी है, तो वहाँ पर हमें टी की थिकनेस को घटाना पड़ेगा, उसके बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें एच की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, उसका टी लगाएंगे और आई की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तो हमें दे ही रखा, और सारी वैल्यू पुट करने के बाद हम आंसर फाइंड आउट करेंगे 27.87। नेक्स्ट क्वेश्चन की तब बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को क्या बोलते हैं, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को बोलेंगे ऑप्शन सी द परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज अ गिवन स्पेस टू द अमाउंट विच दैट द बायलूम कुड कंटेन इफ इट वर सैचुरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ द फ्लोराइड्स, तो फ्लोराइड्स की मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट क्या होती है, वो होती है वन से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये देखिए काज द रिजेक्शन की वजह से रिजेक्शन कब हो जाता है एक्सेप्टेबल लिमिट से, एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वन और रिजेक्शन के लिए होती है 1.5, बट अगर हम फ्लोराइड की परफेक्ट रेंज लेना चाहें तो 1 से लेके 1.5 के बीच में ले सकते हैं। द ट्रिपोजोइडल चैनल सेक्शन बेस, इसका बेस देख सकते हैं 6 मीटर है, और साइड स्लोप की बात करेंगे तो साइड स्लोप 1 वर्टिकल
टू हॉरिजेंटल, तो वन वर्टिकल और टू हॉरिजेंटल। ओके ये सिचुएशन है। वर्टिकल कन्वे वाटर द 17 मीटर क्यूब पर सेकंड एंड द डेप्थ इज द 1.5 मीटर एंड द फ्लो सिचुएशन इन द चैनल इज, तो फ्लो सिचुएशन इन चैनल में क्या होगी, कौन से टाइप का फ्लो होगा। तो मेरे दोस्त इसमें फ्लो को आपको कैलकुलेट करने के लिए पहले तो फ्राउड नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो फ्राउड नंबर आप जानते हैं ना, तो इस सिचुएशन में फ्राउड नंबर का फार्मूला क्या लगा है। फ्राउड नंबर का फार्मूला होता है क्यू स्क्वायर टी अपन जी ए क्यू। तो वैसे तो आपका फ्राउड नंबर का फार्मूला आप जानते होंगे ना, फ्राउड नंबर का फार्मूला क्या होता है ना, बी अपन रूट जी वाई होता है ना, तो वही आपको कर लेना है। तो वी की वैल्यू लगा देनी है, क्यू अपान ए लगा देनी है, और जी की वैल्यू अगर आप यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो आपका यहाँ भी थोड़ा छुटकारा मिल जाएगा इन सब चीज़ों से। और आप यहाँ पर जब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आप यहाँ से ये एरिया निकालेंगे और उसके टी की वैल्यू टॉप बिड्थ, ओके टॉप बिड्थ ये होती है 6 आपकी ये है और 6 इधर से और हो जाएगी, ओके तो 12 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो फ्राउड नंबर आपका आया वो 1 से कम आया, जब 1 से कम आया तो इन दस दिस इज फ्लो इज द सब क्रिटिकल फ्लो, अगर 1 होता तो क्रिटिकल हो जाता, अगर 1 से ज़्यादा हो सुपर क्रिटिकल फ्लो हो जाता। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएट विद द क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ के लिए कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट है। पहले तो आप ये जान लीजिए क्रिटिकल पाथ होता क्या है। तो क्रिटिकल पाथ वो पाथ होता है जिस पाथ के थ्रू जाने पर हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है। क्रिटिकल पाथ पास कर सकता है डमी एक्टिविटीज से भी, इट डिपेंड ऑन द नेटवर्क अरेंजमेंट एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी के ड्यूरेशन पे भी ये डिपेंड करता है। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि टी एल लेटेस्ट टाइम ऑफ द एक्टिविटी माइनस टी ई अर्लीस्ट टाइम इक्वल टू द होता है टी क्रिटिकल टाइम। अब आप यहाँ पर मेरे दोस्त ये देख सकते हैं ना कि कौन कौन सा जो है ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन आई होप यहाँ पर आप तीनों को पढ़ के देखिए, ऊपर वाले तीनों, ये तीनों इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कैन नॉट पास द डमी एक्टिविटी, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये डमी एक्टिविटी से पास कर सकता है क्रिटिकल पाथ। पीक गस्ट विंड स्पीड एज पर द आई एस 875/2015 फॉर द डिजाइन लोड इज डिफाइंड एज द, तो डिजाइन लोड डिफाइंड एज द, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई विंड स्पीड एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम वेव लेंथ, विंड स्पीड एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द वेलोसिटी, विंड स्पीड एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, विंड स्पीड एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड द वेव लेंथ। तो यहाँ पर पीक गस्ट को आप पहले समझिए, पीक गस्ट जो होता है ना इसको आप पहले समझिए, फिर उसके बाद फेज लेंथ को समझिए। पीक गस्ट स्पीड ऑफ द विंड एसोसिएटेड विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जो स्पीड ऑफ विंड होती है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जो एसोसिएटेड होती है उसको हम बोलते हैं। अब फेज लेंथ की बात करेंगे, इट इज़ द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द विंड फ्रॉम द बाउंड्री एट विच द चेंज इन द स्पीड ऑफ द टेरेन अकर्स। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड वाला जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है, विंड ऑफ स्पीड एसोसिएटेड विद द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट आप देखेंगे आई एस, दिस इज द ऑप्शन कंसिडरिंग द बेंड लोड एक्टिंग इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द इंडिविजुअल स्ट्रक्चरल एलिमेंट और द क्लैडिंग यूनिट फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड। ओके तो यहाँ पर देखें मटेरियल डेंसिटी कोफिशियंट या फिर ये कुछ होता है, तो मटेरियल डेंसिटी कोफिशियंट ही यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है। एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड द लीनियर डायनामिक एनालिसिस शैल बी परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन द डिजाइन लेटरल फोर्स फॉर ऑल बिल्डिंग एंड अदर देन। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बिल्डिंग लोअर देन द 5 मीटर इन द सीजमिक जोन एंड रेगुलर बिल्डिंग लोअर देन द 5 मीटर इन द सीजमिक जोन, तो यहाँ पर रेगुलर बिल्डिंग लोअर देन द सीजमिक जोन सेकंड, ओके सीजमिक जोन सेकंड की बात आएगी। रेगुलर बिल्डिंग वहाँ बनाना है हमें 15 मीटर से कम हाइट की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्यूब ऑफ हाइलमेना ऑफ द 40 mm एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द 20 mm इंटरनल डायमीटर इज सिंगली स्नगली फिटेड ऑन द सॉलिड स्टील रॉड ऑफ द 20 mm डायमीटर कंपोजिट बार सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स पी एंड द स्ट्रेस ऑन द स्टील बार इज द 70 Nm/mm², द स्ट्रेस इन द एल्युमिनियम ट्यूब एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पी विल बी। तो इस सिचुएशन में हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और साथ में वैल्यू ऑफ पी ये भी कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे दोस्त कि ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है दो स्टील रॉड्स दे रखी हैं 1 और 2 और यहाँ पे पी इक्वल टू पी वन प्लस पी टू कर लेंगे, तो एल्युमिनियम में जो स्ट्रेन है और जो स्टील में जो स्ट्रेन है हमें दोनों की कंपैरिजन करनी है। दोनों में कंपैरिजन करने के बाद आप यहाँ से जो देखेंगे ना कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
नहीं सिग्मा इज इन्वर्सली तो नहीं बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहुंच जाएगा ई के। ई क्या है यहाँ पर ई है यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी को कंपेयर करने के बाद आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एल्युमिनियम की वैल्यू। तो सिग्मा एल्युमिनियम की वैल्यू ये हो जाएगी नेक्स्ट। तो यहाँ से ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट टिम्बर बीम ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ द लेंथ 8 मीटर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरीज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ द 12 kN पर मीटर ओवर द एंटायर स्पान एंड द लोड एंड द पॉइंट लोड ऑफ द 10 kN एट द 3 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट इन द डेप्थ ऑफ 2 times एंड द विड्थ एंड स्ट्रेस इन द टिम्बर इज नॉट एक्सीड द 10 N पर square what is the suitable depth of section। तो suitable depth of section के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो आप पहले तो ये सेक्शन यहाँ पर पूरा बना लीजिए। सिंपली सपोर्टेड बीम 8 मीटर इसकी लंबाई यूनिफॉर्मली लोड इस पर लगा हुआ 12 kN का और 10 kN का इस पर लगा हुआ है क्या पॉइंट लोड लगा हुआ है लेफ्ट हैंड से 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो आप यहाँ से देखिए पहले तो आप इसकी दोनों रिएक्शन निकालिए, रिएक्शंस आप इसके निकाल लेंगे ठीक है। दोनों रिएक्शन निकालने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ना कि डी इक्वल टू 2B ओके। तो इसका आप रिएक्शन निकालने के बाद आप इसका BMD ड्रा करिए और BMD ड्रा करने के बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे ना जैसे ही आपका BMD कैलकुलेट हो जाएगा आपको इसी पॉइंट मिलेगा। तो इस सिचुएशन में आप X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जब आप X की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और X की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद आप यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे और डी और ए आप इसके बीच में जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे ओके मोमेंट डी कैलकुलेट कर लेंगे। मोमेंट डी कैलकुलेट करने के बाद आपका फार्मूला बचेगा, क्या फार्मूला बचेगा तो आप जानते हैं ना सिग्मा अपान बाई इक्वल टू एम अपान आई ओके। तो आप यहां से सिग्मा का फार्मूला लगाएंगे सिग्मा इक्वल टू द 6 और यहां से आप जब एम बाई अपान आई करेंगे तो आप एम का फार्मूला लगाएंगे तो आई अब यहां से मेन दिक्कत आने वाली है ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या होता है बी डी बाई 12 ठीक है। तो आपको यहाँ से आई की वैल्यू लगानी है फिर आप यहाँ से डी को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। इसकी वैल्यू आएगी 512 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हाइल अलाइनिंग ए हिल रोड विद द रूलिंग ग्रेडियंट ऑफ द 6% हॉरिजॉन्टल कर्व इज द 75 मीटर इज इनकाउंटर्ड नेसेसिएटिंग या नेगोशिएटिंग ग्रेड कंपनसेशन ठीक है। यहाँ पर हमें ग्रेड कंपनसेशन जो नेसेसिएट हो रहा है ठीक है कंपनसेटिंग ग्रेडियंट एट द कर्व विल बी यहाँ पर हमें कंपनसेटिंग ग्रेडियंट किसने बात करी ग्रेड कंपनसेशन किसने बात की और कंपनसेटेड ग्रेडियंट यहाँ पर पूछा है और पूछा कि ये भी बोला कि हॉरिजॉन्टल कर्व जिसकी रेडियस 75 मीटर है और रूलिंग ग्रेडियंट कुछ इतना है। तो कंपनसेशन ग्रेडियंट के 2 criteria होते हैं 30+R/R और दूसरा होता है 75/R। तो इसमें जो भी कम होगा ओके तो जो भी कम होगा तो 30+R/R आप ऐसे करिए इसकी वैल्यू आई 1.4% और 75/R करेंगे तो 75 तो है ही और 75 इसकी रेडियस है तो यहाँ से 4 मिलेगा। तो दोनों में से जो मिनिमम होगा तो 1.4 और 1 में से जो मिनिमम है वो है 1। तो यहाँ से कंपनसेटिंग ग्रेडियंट जो ग्रेड अपना है पहले का रूलिंग ग्रेडियंट 1 दे रखा है और ग्रेड कंपनसेशन अपना है 1 है तो कंपनसेटिंग ग्रेडियंट आपका बचेगा 5। तो 5 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे इफ़ द एवरेज सीवेज फ्रॉम द सिटी 95 × 10^6 लीटर पर डे द एवरेज 5 days BOD इज इतनी है और द इक्विवेलेंट पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द सिटी इज तो हमें इक्विवेलेंट सिटी जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ द सिटी हमें ये कैलकुलेट करना था पॉपुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट सिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको जो सीवेज आ रहा है ठीक है सीवेज पूरा लेना पड़ेगा उसके बाद उसकी BOD कितनी BOD दे रहा है उसके बाद हम ये देखेंगे ना कि BOD पर कैपिटा पर डे कितनी है। तो पर कैपिटा पर डे BOD लेने के बाद आप यहाँ से पता कर पाएंगे ये तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 95 × 10^6 एंड इसकी BOD 300 पर कैपिटा BOD है 0.075 kg पर कैपिटा पर डे ओके। तो आप यहाँ से देखेंगे 380,000
380,000 ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ए पाइप ऑफ दी 1500 mm लॉन्ग अंडर 200 मीटर इन द डायमीटर इज लेड टू ए स्लोप, स्लोप इसका देखिए आप इतना दे रखा है, फर्स्ट हाफ लेंथ एंड द स्लोप ऑफ इज द 100 देन द सेकेंड हाफ लेंथ द प्रेशर एट द अपर एंड द लोअर एंड्स रिस्पेक्टिवली 1 kg/cm² एंड देन यहाँ पर ये देख सकते हैं ये कुछ इतना है और ये कुछ इतना है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इतना है और डिस्चार्ज इन द पर डे पूछा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कुछ इसका डायग्राम इस तरह से बनाने की कोशिश करिए तो आपका पॉइंट ये मिलेगा और इस वाले पॉइंट पे देखिए ये 750 और ये भी 750, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे जेड वन, ठीक है, तो आपको 1/200 × 750 करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर 1/100 × 750 करना पड़ेगा। पहले थ्योरी को पढ़िए उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो पी ए की वैल्यू आप देखेंगे इतना है, यहाँ पर प्रेशर इतना है और यहाँ पर प्रेशर इतना है, यहाँ पे बन की बात करी थी ना, 1 kg/cm², यहाँ पर 0.5 kg/cm², ठीक है। अब आप यहाँ से स्लोप देखेंगे, यहाँ पर स्लोप कुछ इतना है और यहाँ पर इसका आधा स्लोप है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पर दो पॉइंट मिल गए हैं, एक पॉइंट आपको ये मिल गया है और दूसरा पॉइंट आपको बी वाला मिल गया है। आपको अब क्या करना भाई, दोनों पॉइंट पे लगा लेना है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। आपको जब दोनों पॉइंट पे लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन पर, बर्नौली इक्वेशन लगाने के बाद जब आप इनको इनमें निकालेंगे, ठीक है, प्रेशर फोर्स और आप यहाँ पर तो ये जानते ही हैं ना कि FL V² / रो जी डी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है FL V² / रो जी डी होता है, ठीक है। तो फिर आप यहाँ से B को आप कन्वर्ट करेंगे ना, तो B को आप Q/A बोलते हैं, ए की वैल्यू आप लेंगे π/4 d², तो इसी तरह से आप जब आप इसको करेंगे तो ये कुछ ये इस टाइप का आएगा और ये होता है आपका मेनली प्यूजोमेट्रिक हेड या आप बात करेंगे प्रेशर हेड। जब इनको आप डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस इनका जब क्रिएट करेंगे तो आपकी डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वो है 0.324। तो 0.03324 आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, वो अपना जो है क्या है, इन एन अनकन्फाइंड कंपरेशन टेस्ट इस अ सैंपल क्ले का सैंपल है 100 और 50 mm डायमीटर फेल्स अंडर द दिस लोड एंड द स्ट्रेन इज द 10%, व्हाट इज द शियरिंग रेजिस्टेंस टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सैंपल इज। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला क्यू इक्वल टू होता है P/A0 1/1 - E0 कुछ इस तरह इस टाइप का ये फार्मूला आएगा। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न कर लेना है, इस टाइप के डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पी की वैल्यू 150 रखिए और यहाँ पे π/4 d² करिए और 1/1 - E की वैल्यू जब आप करेंगे तो यहाँ से आपको जो भी क्यू यू की वैल्यू मिलेगी वो है 0.068, बट आप क्या जानते हैं क्यू इक्वल टू द 2C tan 45 + 5/2। तो आप जब 2 5/2, ठीक है, तो आप 2C tan 45 करेंगे और यहाँ पे फाइव की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हम क्ले की बात कर रहे हैं, ठीक है, और 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो 2C 2 तो अपना ही और C की वैल्यू जब आप उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कुछ आप देखिए कुछ ये आ जाएगा ना। हम यहाँ से क्यों निकाले हैं तो C = क्या हो जाएगा Q/2, ठीक है, तो tau = C + σ tan φ और σ tan φ की वैल्यू तो यहाँ पे 0 हो ही जाएगी, तो सिग्मा भी उसका कोई मतलब है नहीं, तो tau = C हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो भी वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, द डेंसिटी ऑफ फुली सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ द क्ले हैविंग द वाटर 40% द, और ये जो क्या है डेंसिटी ऑफ द फुली सैचुरेटेड वाटर कंटेंट इतना और डेंसिटी इसकी हाँ इतनी है और ऑन ओवन ड्राइंग डेंसिटी ड्रॉप्स, ओवन ड्राई जब हमने इसे कर दिया तो इसकी डेंसिटी इतनी ड्रॉप होगी, तो श्रिंकेज लिमिट क्या होगी, तो श्रिंकेज लिमिट भाई सिचुएशन में 22.99% होगी। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक कैमरा इक्विप्ड विद 152 mm फोकल लेंथ लेंस इज यूज टू टेक द वर्टिकल फोटोग्राफ फ्रॉम ए फ्लाइंग हाइट ऑफ द 2780 meters अबव द मीन सी लेवल इफ द टेरेन इज फ्लैट एंड लोकेटेड एंड एट एन एलिवेशन ऑफ द
500 मीटर स्केल ऑफ द फोटोग्राफ विल बी। तो इस सिचुएशन में हमें इस फोटोग्राफ की स्केल बतानी है। ओके, तो हम स्केल में यहाँ पर क्या बोलेंगे, स्केल का सिंपल फार्मूला हमें क्या पता है, मैप डिस्टेंस अपॉन द ग्राउंड डिस्टेंस। तो मैप डिस्टेंस अगर हम फोटोग्राफ पे देखेंगे फोकल लेंथ से, ये कुछ 152 mm का ये फोटो आया है, ठीक है। और हम नीचे ये क्या देखेंगे कि एच माइनस स्मॉल एच, ये एल्टीट्यूड इतना था, हाइट अपनी फ्लाइंग हाइट थी ना 2780, और मीन सी लेवल से इसकी हाइट थी 2780 और इसका एलिवेशन था 500। तो 2700 जो मीन सी लेवल से जो हाइट है उसमें से हमें 500 घटा देना होगा और देखते हैं क्या है। तो 152 अपान 2780 माइनस 500 जब हम करेंगे, ओके, तो ये एमएम में है और इसको मीटर को हम चेंज करने के लिए हम 10³ ये 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इनको सबको काटने पीटने के बाद क्या देखेंगे कि इसकी स्केल आएगी 1/15000। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्लिक होगा वो है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनफॉल इंटेंसिटी इन द एमएम पर आवर एट द हाफ एन आवर इंटरवल ड्यूरिंग ए 4 आवर स्टॉर्म वर 5, 9, 20, 13, 6, 8 and 16 and 3 mm पर आवर। इफ करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व्ड रन ऑफ इज 27.47 million m³ फ्राम द बेसिन हैविंग एन एरिया ऑफ द 1830 km². द फाई इंडेक्स फॉर द स्टॉर्म इज, इस स्टॉर्म के लिए फाई इंडेक्स क्या होगा। तो देखिए हमारे पास पी इज द प्रेसिपिटेशन दे रखा है, पी प्रेसिपिटेशन कितना है भाई, ये है अपना 40 mm, क्योंकि हमारे पास प्रेसिपिटेशन है 40 mm और ये 40 mm हमने कैलकुलेट कैसे किया है, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए और नेक्स्ट हम देखें क्यू इक्वल टू क्या दे रखा है, क्यू हमें दे रखा है, क्यू तो हमें निकालना होगा, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या था, पी माइनस क्यू अपान टी, ठीक है, पी माइनस क्यू अपान टी। और अब आप यहाँ से ये क्यू निकालेंगे, ठीक है, ये अपना कितना देर का 27.47 × 10⁻⁶ मिलियन, ठीक है, मिलियन के लिए हमने और 3 से 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया और मीटर क्यू में हमने 10³ कर दिया है, जिससे कि एमएम में हो जाए कन्वर्ट। और ये नीचे आप देखेंगे इसका कितना है, ये एरिया 1830 किलोमीटर स्क्वायर, 1830 × 10⁻⁶ करना पड़ेगा यहाँ पर भी। और हम इसको काट के देखेंगे कि इतनी वैल्यू, क्यू की वैल्यू आ रही है 15 mm, ओके। और पी माइनस क्यू अपॉन टी जब हम करेंगे, टी इज द टाइम पीरियड, वो एम आवर वाली बात है ना, कितने घंटे की बात हो रही, तो 40 - 15/T मतलब 4 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 6.25। अब हमें सारी वैल्यूज यहाँ से देखनी है जो 6.25 से छोटी हैं, ओके। तो हमें अब हम यहाँ पर ये देखेंगे एक नंबर की चीज़ जो है कि सारी वैल्यू जो 6.25 से छोटी हमें उनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो क्या फार्मूला हो जाएगा, पी माइनस क्यू माइनस वैल्यूज लेस देन द डब्ल्यू इंडेक्स अपॉन टी। टी कितना, टी हमें उतना चाहिए जो जितना कि ये जो दिया हुआ है उसे घटाने के बाद जो भी आएगा, डेढ़ आएगा ना, डेढ़ घंटा। अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे फाइनल इंडेक्स, वो आएगा 7.2 mm पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन एक्टिवेटेड स्लज टैंक इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, हैज लिक्विड डेप्थ ऑफ द 4 मीटर, द इन्फ्लुएंट सीवेज फ्लो रेट 3.5 mld, द प्राइमरी एफ्लुएंट हैज BOD ऑफ द 130 mg/L एंड सस्पेंडेड लोड ऑफ द 15 mg/L, द MLSS कंसेंट्रेशन इन द एरिएशन टैंक इज 1800 mg/L करस्पॉन्डिंग FM रेशियो। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना FM रेशियो, तो FM रेशियो कैलकुलेट करने के लिए Q नॉट S नॉट अपन BX हमें देखना होगा। तो X जो होता है, X होता है MLSS, और Q की वैल्यू आप देख सकते हैं Q कितना दे रखा है, Q फ्लो रेट हमें दे रखी है 3 mld, ओके। और इसके बाद 130 ये हमें BOD दे रखी है, S का मतलब BOD
अपन बी बी क्या होगा, बी भाई होगा यहाँ पर अपना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं ये टैंक की ये लेंथ है और ये वाइड है और ये डेप्थ है हाइट, ठीक है। और अपन एमएलएसएस, तो एमएलएसएस आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है। और सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद आप देखेंगे एमएलएस जो एफ बाई एम रेशियो आएगा जो 0.234 पर डे। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर BIS 456 डिफॉर्म्ड बार मे बी यूज विदाउट एनी एंकरज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर डिफॉर्म्ड बार प्रोवाइड करी जाती है विदाउट एनी एंकरेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द एडजेसेंट रॉड इज इंश्योर्ड, सफिशियंट कवर इज प्रोवाइडेड टू रीइन्फोर्समेंट बार, डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसके लिए एंकरेज की जब बात आती है तो वहाँ पर हम डेवलपमेंट लेंथ की बात करते हैं, LD की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोब कंटिल्यूअर बीम ऑफ द लेंथ एल इज सब्जेक्ट टू द मोमेंट एम द एट द प्रोब्ड एंड द सपोर्ट मोमेंट एट द फिक्स एंड विल बी। तो आप देखते होंगे ना कि प्रोब कंटिल्यूअर कुछ इस टाइप की होती है, यहाँ पे हम कोई सपोर्ट लगाते हैं, यहाँ पे मोमेंट एम है और ये कह रहा है कि फिक्स सपोर्ट पे कितना मोमेंट जाएगा। तो यहाँ पर सपोर्ट पे जो मोमेंट जाएगा ना, इस वाले मोमेंट का आधा जाएगा m/2, फिक्स एंड पे आधा मोमेंट कैरी ओवर मोमेंट जाता है ना। तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। अब यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो कंसीडर 3x3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए सच दैट द टू रूट ऑफ द आइगन वैल्यू आर डज नॉट जीरो, ए डज नॉट जीरो एंड बी डज नॉट जीरो विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर आप देख सकते हैं, इफ ए एंड बी डज नॉट इक्वल देन x1y1 x2y2 प्लस x3y3, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्त, आइगन वेक्टर करस्पेंडिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। जब ऑर्थोगोनल यहाँ पर ये आपको दिख रहे हैं तो आप देखें x1y1 प्लस x2y2 प्लस x3y3, इनकी यहाँ पर से मल्टीप्लाई जब हम कराएंगे ना तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x.y। तो x.y इक्वल टू हो जाएगा आपका जीरो, तो ये वैल्यू आपकी जीरो आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरिया इंक्लूज्ड बिटवीन द दिस कर्व बाई इक्वल टू द एक्स स्क्वायर एंड बाई इक्वल टू द एक्स। तो इसका इसके बीच का हमें एरिया पहले कैलकुलेट करना, तो इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना। देखिए जो बाई इक्वल टू द एक्स स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर इसका मतलब क्या है, जो बाई एक्स होता है ना इस पे आधा आधा चला जाएगा। ओके, और बाई इक्वल टू एक्स की बात है तो बाई इक्वल टू एक्स कुछ लाइन यहाँ से जाएगी और इनके बीच में जो एरिया ए आया है इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर ये जो वन सेकेंड, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको अगर आप सॉल्व करने के बाद जो पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई, तो वो आप देख सकते हैं ना कि इस वाले पॉइंट पे ये क्या है, ये भाई ओरिजिन ही है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट 0.0 और आप ई वाला पॉइंट जब देखेंगे ना तो यहाँ पर 1.1 मिलेगा। आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं, 1.1 मिलेगा। ओके, आप इसके लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू वाई तो दे ही रखा है ना, तो एक्स इक्वल टू वाई जब आप यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आप इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जीरो करेंगे तो एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी जीरो और एक बार एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो इसी तरह से आप जब एक्स इक्वल टू जीरो और 1 है तो वाई इक्वल टू ही वही होगा। तो आप देख सकते हैं एक ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला पॉइंट है, तो एरिया इक्वल टू हम क्या जाएंगे भाई, जीरो से लेके 1 तक एक बार लिमिट जाएगी और दूसरी बार लिमिट क्या जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर से लेकर के एक्स तक की लिमिट जाएगी, अपर लिमिट एक्स लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आप डी वाई और डी एक्स करेंगे। ओके, जब आप यहाँ पर डी वाई डी एक्स करेंगे तो आप पहले तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। ओके, जब आप इसका एक वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस वाली चीज़ का, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने किस तरह से ली है, आप यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रिप लीजिए 1 मिनट। ओके, आपका डायग्राम कुछ ये इस टाइप से बन रहा है, ये डायग्राम बन रहा, तो आप यहाँ से एक ये लेंगे पट्टी, ठीक है। तो आप इस वाली पट्टी को, आप वर्टिकल पट्टी है तो ठीक, आप इसको कुछ इस तरह से इसको
मूव कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं वर्टिकल स्ट्रिप को, तो वहाँ पे ये जो वर्टिकल स्ट्रिप बन रही है, ठीक है, तो इसकी अपर लिमिट देंगे वाई इक्वल टू एक्स पे मिल रही है, और लोअर लिमिट की बात करें तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर मिल रही है। तो इसी तरह से इसकी लिमिट एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वाई आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। फिर इसमें हम एक बार और इसका डिफ्रेंसिएशन नहीं बल्कि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एक बार और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके बाद हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 1 और 0, तो उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा 1/6 मिलेगा, ठीक है। इस तरह से इसका क्वेश्चन का सलूशन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंक्लोज्ड बाय द स्फीयर ऑफ द 1 मीटर रेडियस हैज द हाइट ऑफ, तो इसकी हमें हाइट कैलकुलेट करनी है। राइट सर्कुलर कोन है ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्यूम कैन बी इंक्लोज्ड, तो आप देख सकते हैं ये कोन है, कोन को हमने इस तरह से इसमें स्फीयर से इंक्लोज कर दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बताइए कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप देख सकते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो सिलेंडर आपका है कोनिकल शेप में, तो बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से राइट एंगल ट्रेंगल यहाँ से कंसीडर करने वाले हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्रेंगल जब आप यहाँ से कंसीडर करेंगे तो एच माइनस वन, ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं एच माइनस वन, क्योंकि ये स्फीयर जो है ना, स्फीयर की रेडियस क्या है 1 मीटर है, तो एच माइनस वन का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू 2h के टर्म में निकाल सकते हैं ना। और उसके बाद जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें वॉल्यूम में पुट करेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो बनेगी वॉल्यूम की वो हो गई एफ एच। और इसके बाद आप एक बार इसमें इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वहाँ उसको 0 के बराबर रखें, तो वहाँ से एच की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.4/3। अब आप देखिए क्या कह रहा है, लार्जेस्ट वॉल्यूम, ओके भाई, वॉल्यूम यहाँ पर लार्जेस्ट कब होगा? लार्जेस्ट देखने के लिए हमें यहाँ पर सिंपली मैक्सिमम मिनिमा को लगाना पड़ेगा, और मैक्सिमम मिनिमा एक बार डिफरेंशिएशन किया इसके, उसको 0 के बराबर रखा, और जब आप इसको 0 के बराबर रखें तो एच की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल के आई, एक तो 0 निकल के आई, 3/4 निकल, 4/3 निकल के आएगी। फिर हम दोबारा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसी टर्म का दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपना ये कुछ निकल के आएगा। फिर इसमें हमें एच की वैल्यू पुट कर देनी है 0 और 4.3, तो एक बार जब हमारी वैल्यू 0 से ज़्यादा आएगी तो वहाँ पर यहाँ पर हमें मिनिमा मिल रही है, जब हम 0 पुट करेंगे, जब हम दूसरी बार यहाँ पर इसमें देखेंगे ना, जब हम 4y3 को पुट करने वाले हैं यहाँ पर, तब अपनी वैल्यू माइनस में आ रही है। इसका मतलब क्या है, ये मैक्सिमम 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है, तो जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है तो वैल्यू यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, ग्रेटर लेस देन 0, तो इस सिचुएशन में जो एच की वैल्यू आएगी 4/3, दैट इज़ द एक्सेप्टेबल वैल्यू, तो यहाँ पर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम इसी मैक्सिमम मिनिमम पे बेस्ड है। आप यहाँ पर फंक्शन देख सकते हैं, फंक्शन ये दे रखा है और इसका डोमेन भी दे रखा है, ग्लोबल मिनिमम ऑफ द एफ एक्स पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एफ एक्स को लाना है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको 0 के बराबर रखना है, और एक्स की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है जो 0.1 मिली है। अब देखिए हमारे पास एक 0.1 मिली है और -1.2 ये भी हमारे पास है, और इन तीनों चारों वैल्यू, ओके, तो फिर यहाँ पर जो हमने चारों वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हैं, 2 वैल्यू कैलकुलेट करी हैं और 2 वैल्यू दे रखी थी, हम इन वैल्यूज़ को एक एक करके एक्स की जगह पर पुट करेंगे ये एफ एक्स वाले फंक्शन में, और जो भी वैल्यू सबसे मिनिमम आ जाएगी, देखिए हमने 0 रखा था तो 0 वैल्यू आई थी, बराबर 1 रखा तो -1 आई थी, बराबर -1 रखा तो -5 आई थी, बराबर 2 रखा तो 4 आई थी। तब अब यहाँ पर जो सबसे कम वैल्यू है, सबसे ये जो वैल्यू आई है इसमें सबसे लेस है वो -5, तो -5 को ही हम बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, द सोल्यूशन ऑफ द एक्स डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई इक्वल टू द एक्स की पावर 4 एंड बाई इक्वल टू द 1 इक्वल टू द 6/5 इज, तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हैं, तो आपने कुछ इस टाइप का पढ़ा होगा ना कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू द प्लस पी बाई और इक्वल टू द क्यू, तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते थे ना, तो ये जनरल फार्म ऑफ इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को पहले तो हमें कन्वर्ट कर लेना है डी वाई ओवर डी एक्स, ओके, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई अपान हम यहाँ पर एक्स करेंगे, और यहाँ पे हम एक्स को इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर क्यू, तो हम यहाँ से देख सकते हैं पी की वैल्यू क्या मिल रही, पी की वैल्यू मिल रही 1/x, और क्यू की वैल्यू मिल रही एक्स की पावर 3। तो देखिए, तो पी इक्वल टू आया है 1/x और क्यू इक्वल टू आया है एक्स क्यू। अब आप आगे यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो होता है आई एफ इक्वल टू द ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ओके, तो जो पी की वैल्यू आप देखेंगे
तो इंटीग्रेशन पी की वैल्यू पे 1/x, और ये हो गया अपना डी एक्स, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, तो ई की पावर लॉग ई, और यहाँ पे मिलेगा एक्स। तो हम कह सकते हैं जो आई एफ की वैल्यू आएगी, तो आई एफ की वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगी एक्स। अब आप देखेंगे ना कि जनरल फार्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, बाई इंटू द इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू द इंटीग्रेशन, और क्यू लेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर लेंगे, डी एक्स करेंगे। ओके, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं बाई इंटू द इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू द इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेशन फैक्टर एफ। तो अब हमने जो आई एफ की वैल्यू निकाली है, तो आई एफ की वैल्यू पुट कर देनी, बाई एक्स मिलेगा यहाँ से आपको, और इंटीग्रेशन आप करेंगे एक्स क्यू, क्यू की वैल्यू तो है ही, और एक्स ही हो जाएगा, डी एक्स ही हो जाएगा, तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। तो एक्स पावर 4 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स पावर 5/5 मिलेगा। ओके, एक्स पावर 5/5 मिलेगा, इधर अपना एक्स और वाई चल ही रहा है, तो प्लस में सी है। अब हमें मेन अपना काम ये है कि यहाँ से सी को कैलकुलेट करना, सी इज द कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट कैलकुलेट करना। कॉन्स्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो हमें यहाँ पर ये जो कंडीशंस दे रखी हैं, बाउंड्री कंडीशन, वाई इक्वल टू 1 लेंगे तो 6/5 होगा, तो हमें यहाँ पे वाई इक्वल टू 1 पुट करना है। वाई वाई 1 इन द सेंस, यहाँ पर क्या है कि एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 6/5 है, तो हमें कुछ यही करना है। तो हमें एक्स इक्वल टू 1 पुट करना है किसी क्वेश्चन में, इस वाली क्वेश्चन में 1 करेंगे, और वाई की वैल्यू 6/5 है, हम ये करेंगे और बराबर करेंगे 1/5 करेंगे, प्लस का सी करेंगे। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं मेरे दोस्त, 6/5 करेंगे और माइनस का 1/5 करेंगे, बराबर सी करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ये बराबर ही है, तो 5/5 सी इक्वल टू 1 मिलेगा हमको यहाँ पे। तो सी इक्वल टू 1 ये जो मिल रहा है, तो हमें वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो एक्स बाई इक्वल टू द एक्स की पावर 5/5 + 1 हमें ये करना होगा। तो बाई इक्वल टू हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, बाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 4/5 + 1/x, तो एक्स इक्वल टू 4/5 + 1/x जो भी वैल्यू है, एक्स पावर 4/5 + ऑप्शन ए इज द करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एफ एस। तो हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम यहाँ पर एक अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो 1/s ये मिलेगा, माइनस का 1/s + 1 हमको ये मिलेगा। तो 1/s को हम बोलते हैं 1, इसका इन्वर्स वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 1, और 1/s + 1 को जब हम इस पे एल इन्वर्स करेंगे ना, तो इसकी वैल्यू मिलेगी हमें ई की पावर -t। तो 1 - e की पावर t यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। ओके, तो 1 - e की पावर t हेयर ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ई की पावर -2t और cos 4t। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने के लिए, तो अगर आप एक अप्रोच के थ्रू जाएंगे तो आप डायरेक्ट ही इसे देख करके बोल सकते हैं। ओके, तो आप देखते हैं ई की पावर -ax cos ax का फार्मूला क्या हुआ करता था, cos ax, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते थे, s + a / s + a² + a² कुछ इस तरह से आपको मिलता था ना, ये नहीं यहाँ पर b होगा ना। ओके, तो इसका फार्मूला आप जस्ट यहाँ पर ये दिख रहा है, आप इसको देख लीजिए, और आपको इसी फार्मूले पे बेस्ड डायरेक्ट आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है, s + 2/s + 2² - b² बी का मतलब 16। ओके, 4² आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट। ओके, आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। आपको बीच का ये देखना होगा, s + 2 होना चाहिए, यहाँ पे s - 2 है। अगले क्वेश्चन आप देखें, ए बॉक्स कंटेंस 2 बासर 3 नट्स 4 बोल्ट। ओके, जिसमें 2 बासर हैं, 3 नट हैं, 4 बोल्ट हैं, एक बॉक्स ऐसा है। आइटम्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स एट रैंडम, रैंडम निकाले गए हैं, 1 at time विदाउट रिप्लेसमेंट, इनका इनका हमने रिप्लेसमेंट नहीं किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 बासर्स फर्स्ट फॉलोड बाई द 3 नट्स एंड सब्सिक्वेंटली द 4 बोल्ट्स इज। ओके, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक बॉक्स है और इसमें ये क्या क्या रखा हुआ है, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसकी ये हो जाए कि दो, पहले हमने बासर निकाले हैं, पहले 9 बोल्ट हो गए थे, ठीक है, 2 3 दो बासर थे, 3 नट थे, 4 बोल्ट थे, ठीक है, 2 4 5 और 4 9, ठीक है। फिर इस तरह से हमने इसमें जो भी कैलकुलेशन की है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 1/12
1260, तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। क्वेश्चन को करने का प्रैक्टिस आपको बना लेना कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। ये एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कंसीडर एन अनबायस्ड क्यूबिक डाइस विद अपोजिट फेस कलर्ड आइडेंटिकली एंड ईच फेस कलर्ड रेड ब्लू एंड ग्रीन सच द ईच कलर अपीयर्स ओनली टू टाइम्स ऑन द डाइस इफ द डाइस इज थ्रोन थ्राइस। डाइस को तीन बार उछाला गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द रेड कलर ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस एट लीस्ट ट्वाइस। ओके, तो फिर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि रेड कलर के डाइस पर दो बार आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या होने वाली है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कलर कम्स, तो हर एक कलर कितनी बार आ सकता है, तो हर एक कलर आ सकता है टॉप पे, क्योंकि तीन इसकी फेज होती है, तो हर एक कलर दो बार आ सकता है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखेंगे, और आने के कलर दो बार आता है ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। और यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एन इक्वल टू आपको मिल रहा है ना 3, और पी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कलर 1/3, और प्रोबेबिलिटी नॉट कमिंग द रेड कलर दिस इज 2/3। और आप यहाँ से देखेंगे कि एटलीस्ट ट्वाइस, और यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का जो आपको ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा 7/27। तो 7/27 ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 80, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इसरो पेपर। ओके, ये 2020 में पेपर आया था, इसी की पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1+i और 1-i मिल रहा है, जहाँ पे i इक्वल टू जानते हैं कि रूट में -1 होता है i की वैल्यू। अब आप इसकी देखिए, हम इसमें क्या करेंगे, इसे कॉन्जुगेट लेंगे और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई जो हम कराएंगे इसकी, ठीक। कॉन्जुगेट आप नीचे वाला देखिए, 1-i है तो इसमें 1+i करिए, ऊपर नीचे इस 1+i की मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिलेगा, कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप का मिलेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, ओके, फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1-i² मिलेगा, 1-i² मिलेगा अपन 1-i² का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए आप यहाँ पे 1-i² की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 हो जाएगी ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 यहाँ पर, और 1-i² का जब आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो कुछ ये मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिलेगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आप यहाँ से देखेंगे, जो -1 से होता है, और ये 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा -2i। ओके, और आप ऊपर क्या देख पा रहे हैं, ऊपर मिलेगा 1+1, 1+1 मिला है ना, तो यहाँ से क्या देखेंगे, 2/2i, वो भी माइनस में, तो 2 से 2 देखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 1/i, ये बचेगा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से माइनस में जो i बचा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, i के ऊपर मल्टीप्लाई कराइए, i के नीचे मल्टीप्लाई कराइए, तो ऊपर क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, तो हम ये मिलेगा i/i², ठीक है, और वो भी माइनस, i² की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -1 से ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा केवल अपने पास i। तो आप एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, तो i में हमने यहाँ पे आर्गुमेंट π/2 कैसे ले लिया है। ओके, तो हम यहाँ पर i को लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो यहाँ पर कैसे, क्योंकि थीटा इक्वल टू अगर हम π/2 रखेंगे, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या, यहाँ से हमें मिलेगा आई केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि cos π/2 प्लस आई साइन π/2, तो π/2 जो एंगल बीच का होता है, दिस इज द आर्गूमेंट। तो यहाँ पर ये जो 1+i और 1-i का जो आर्गूमेंट यहाँ से आपको मिलेगा arg, तो हम इसको बोल सकते हैं π/2। ओके, जो π/2 वाला ऑप्शन है वही अपना क्लिक करना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हेयर। इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस ऑफ द इसरो 2020। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिटेल सोल्यूशन के साथ। ओके, थैंक यू।